Live TV Express खबर पल पल। राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार हाथ पर हाथ रखे बैठी है, ये गूंगी बहरी सरकार है। कोरोना की पहली लहर जब आई थी तब उन्होंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। आज ऑक्सीजन की जो कमी है उसकी सारी जिम्मेदार केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की है। उन्होंने दवा की कालाबाजारी दूसरे देशों में की, जिससे अपने देश में दवाओं की कमी हुई और लोग मर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने महाराष्ट्र में प्रवासी मजदूरों के पलायन पर बोला कि हम लोगों की मदद कर रहे हैं, हमारी सरकार गरीबों का पूरा ख्याल रख रही है। महाराष्ट्र में हालात पर धीरे धीरे काबू किया जा रहा है। लखनऊ से लाइव टीवी एक्सप्रेस करी मानसी भल्ला की रिपोर्ट। जी पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी है, रक्षक दवाई भी नहीं है, इसको क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए भारतीय जनता पार्टी की पूरी पूरी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि अगली बार जो हमारे यहाँ कोरोना महामारी आया था पूरे भारत ही पूरा विश्व परेशान था, तब जो है एक टेलर तब इतना लोग नहीं परेशान हुए, लेकिन उस टेलर को देखते हुए केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार को अपनी नीतियों को तेजी से गति में बढ़ा देना चाहिए था, उसकी व्यवस्थाएं जो है कायम कर देना चाहिए था। लेकिन इस समय जिस तरीके से हमारा पूरा भारत परेशान है और सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठी है, ये बहुत निंदनीय है और बहुत गलत है, जिससे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से जिसका विरोध करती है कि ये गलत नीति है। गलत नीति के कारण हमारा प्रदेश में लोग इस तरीके से जूझ रहे हैं, ये बहुत गलत है। और इन्होंने क्या किया, शुरू में ऑक्सीजन और दवाई की इन्होंने कालाबाजारी कर लिया, अदर कंट्रियों में उसके साथ में बिजनेस कर लिया। इस समय इन्होंने तस्करी किया लोगों के अंदर, जिस तरीके से लापरवाही आए दिन डॉक्टरों को देखने को मिली, हॉस्पिटल में देखने को मिली, ये पूरी तरीके से अगर दोष किसी का दिया जाए तो वो भारतीय जनता पार्टी के बैठे हुए लोगों की है। क्योंकि जब सरकार टाइट रहेगी तो कोई भी, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो चाहे वो प्राइवेट कर्मचारी हो, सरकारी हॉस्पिटल हो प्राइवेट हॉस्पिटल हो, सब एक्शन में रहेंगे और सही से काम करेंगे। सरकार की गलत नीति की वजह से हमारे देश और प्रदेश के लोगों ने परेशान हो गए, काफी जाने जा चुकी, और ये टोटल अगर इसी कोई जिम्मेदार है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, सरकार में बैठे हुए लोग हैं। अध्यक्ष जी महाराष्ट्र में आपकी भी सरकार है, महाराष्ट्र में भी हालत बस से बदतर है, प्रवासी मजदूर पलायन करने पर मजबूर आ गए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए महाराष्ट्र के उसको देखा जाए अगर तो उत्तर प्रदेश से कहीं सौ गुना ठीक है, क्योंकि मैं मेरे पास आए दिन जो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग वहाँ पे पलायन कर रहे हैं, आए दिन उत्तर प्रदेश वालों का हमारे पास फोन आता है कि अध्यक्ष जी यहाँ पे ये दिक्कत है, यहाँ पे ये दिक्कत है। मैं जितना मेरा चलता है मैं यहाँ के लोगों का जो वहाँ पे पलायन कर रहे हैं उनकी मैं वहाँ पे व्यवस्था करवाता हूँ। अभी दो दिन की बात है मैं तीन लोगों को वहाँ पे हॉस्पिटल में भर्ती कराऊँ, वहाँ की स्वास्थ्य की व्यवस्था इस समय बहुत अच्छी है। अगली बार कुछ गड़बड़ हुई थी लेकिन अगली बार एक टेलर था तो ज्यादा दिक्कत नहीं होने पाई थी, लोग संभाल ले गए थे, लेकिन अब की बार जितना उत्तर प्रदेश का हालत गंभीर है उतना कहीं पूरे भारत में वो हालत नहीं है। हमारे यहाँ के आदित्य योगीनाथ जिस तरीके से हमेशा बैठ देते हैं न्यूज प्रेस में, बोलते हैं हमेशा कि हमारे उत्तर प्रदेश में न बेड की कमी है, न दवाई की कमी है, न कोरोना महामारी ज्यादा है, ये मैं कहना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी का नादानी है। जिस तरीके से ये लोगों को बार बार कहते हैं कि हमारे यहाँ सारी व्यवस्था है, अभी बीच में इन्होंने जो है वीडियो वायरल किया कि हमारे यहाँ न हॉस्पिटल में कोई कमी है, न लोग हमारे यहाँ ज्यादा परेशान है, न बीमारी है, लेकिन ये गलत है और ये गलत नीति के कारण हमारे उत्तर प्रदेश के लोग परेशान हो रहे हैं। वहाँ पे महाराष्ट्र में हमारी सरकार पूरी तरीके से जनता हित में काम कर रही है और वहाँ का कोई बदतर हाल नहीं, वहाँ की सारी व्यवस्थाएं ठीक है, स्वास्थ्य व्यवस्था वहाँ की बहुत अच्छी है। इस समय वहाँ पे 15 मई तक लॉकडाउन है, वहाँ के माननीय उद्धव ठाकरे जी ने सही समय पर कदम उठाया और वहाँ के लोगों को सारी चीजों को कवर कर लेंगे।